डिविजिबिलिटी ऑफ 8 एकदम सिंपल है, जैसे 2 की थी, 4 की थी और अभी 8 की है। तो 2 और 4 में हमने देखा था, 2 में देखा था हमने यूनिट प्लेस, 4 में देखा था हमने यूनिट और 10 प्लेस। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में हम देखेंगे द नंबर फॉर्म बाय यूनिट, 10th एंड 100th प्लेस, यूनिट, 10th एंड 100th प्लेस। अगर इससे जो नंबर बनता है, अगर ये नंबर डिविजिबल 8 से है तो ये कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होता है। तो हम इसको 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या ये 8 से डिवाइड होता है। तो 8 5 जा 14 और 8 7 जा 56, दैट मींस ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। लेकिन दूसरा नंबर को डिवाइड करके देखते हैं तो इसका यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस ये मिलाकर जो नंबर है, क्या ये 8 से डिविजिबल है। 8 to the 16 and 8 9 the 72, तो ये डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब जो यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस, इसको मिलाकर जो नंबर फॉर्म होता है, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 ये भी सिंपल डिविजिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर हमें दो सिंपल रूल ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक तो गिवन नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इवन नंबर, क्या होना चाहिए इवन नंबर। और दूसरा रूल हमें याद रखना पड़ेगा कि उनकी सम जो होती है, मतलब उनके डिजिट्स की, दिए हुए नंबर के डिजिट की जो सम होती है वो सम होनी चाहिए, सम इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। दैट मीन्स इसको अगर हम सिंपल से देखा जाए तो गिवन नंबर इवन होना चाहिए, दैट मीन्स इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3, तो 2 3 जा 6, दैट मीन्स अगर वो दिया हुआ नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम सम करें तो सबसे पहले कंडीशन जो है कि दिया हुआ नंबर इवन होना चाहिए, तो क्या ये इवन नंबर है, नहीं ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इवन नंबर के लास्ट प्लेस पे 2, 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई डिजिट चाहिए तो ये इवन नंबर नहीं है, दैट मीन्स हमारे प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहां पर अगर ये सबसे पहला कंडीशन है कि हमारा गिवन नंबर इवन होना चाहिए तो यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, दैट मींस ये नंबर इवन है। दूसरी कंडीशन बोल रही है कि इनकी सम जो है, इनके डिजिट की जो सम है वो होनी चाहिए डिविजिबल बाय 3, तो हम इनके डिजिट की सम करते हैं, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 15, तो ये 15 भी डिविजिबल है 3 से, दैट मींस ये कंप्लीट नंबर जो है डिवाइड होता है 6 से, ये कंप्लीट नंबर जो है डिवाइड होता है 6 से। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या हुई, जो नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 ये एकदम सिंपल डिविजिबिलिटी है। अब ये सिंपल क्यों है, तो ये डिविजिबिलिटी सिमिलर टू 3 है। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या थी, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। वहां पे 3 के डिविजिबिलिटी में था कि इज डिविजिबल बाय 3, लेकिन 9 के डिविजिबिलिटी में ये जो दिए हुए नंबर है उनकी सम जो है, डिजिट्स की सम जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए 9 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा 9 से। एग्जांपल के लिए करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अब ये नंबर दिया हुआ है, इसकी सम करते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, ये 15 है और 15 9 से डिविजिबल होते हैं क्या, नहीं, तो इसका मतलब है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें इनके सम, इनके डिजिट्स की सम करते हैं, तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 0 18, यानी ये जो 18 है क्या ये 9 से डिविजिबल है,
तो हाँ ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अब हम डिविजिबिलिटी ऑफ 11 देखेंगे, ये सबसे सिंपल डिविजिबिलिटी है अगर समझ में आ जाए तो। अब इसमें क्या है कि हमें तीन रूल फॉलो करने हैं। पहला रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। अब सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, इसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया, उसको देखते हैं। अब इनके ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स है उनकी सम करते हैं, तो ये होगा 3 + 5 = 8, 8 + 3 = 11। तो यह आ गया 11, 4 + 6 = 10, 10 + 8 = 18। और इन दोनों का क्या चाहिए हमें, डिफरेंस। तो हम इन दोनों का डिफरेंस अगर ले तो कितना आता है 7, दैट मींस ये नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए 0 और 11। तो हमने दूसरा एग्जांपल भी लिया है, इसको टैली करके देखते हैं, 6 + 4 = 10, 10 + 0 = 10। ये क्या हुई, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस की सम करते हैं तो ये होगा 5 + 4 = 9, और इन दोनों की अब डिफरेंस करते हैं तो वो कितना आता है 1। तो क्या ये नंबर डिविजिबल है, ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, 5 + 3 = 8, 8 + 0 = 8, तो ये होता है 4 + 4 = 8, और इन दोनों का डिफरेंस आता है 0, तो ये नंबर डिविजिबल होता है। इसका मतलब अगर सम 0 आती है या 11 आता है या इन मल्टीपल ऑफ 11 आता है, 11 के मल्टीपल्स मतलब 22, 33, 44 एक्सेट्रा, तो ये इसके टाइप में आता है, तो ये डिविजिबल होता है 11 से, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं है। तो अब हम एक एग्जांपल 11 के मल्टीपल्स में लेते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल्स सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस की डिजिट कर लेते हैं कि उसकी सम 9 + 9 = 18, 18 + 9 = 27, 27 + 9 = 36, एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस की सम करते हैं 8 + 3 = 11, 11 + 3 = 14। और थर्ड रूल बोलता है हमारा डिफरेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो वो आएगा 22। तो अब ये क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन देम आइदर 0 और इन मल्टीपल ऑफ 11, तो ये जो आंसर आया है 22, ये 22 क्या है, मल्टीपल ऑफ 11। सो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को भी 11 से डिविजिबल होता है। आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा है, इसका मतलब आप में पढ़ने का जुनून है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो डिविजिबिलिटी आपको बताई है, इनको आप एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार देखिए, जब भी प्रॉब्लम आए चैनल पर आइए, देखिए और समझिए, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।